ये वाला काम जो चंदन वाला है सॉलिड काम ना, तो बैंक वाला तबाही करेगा। और है कौन ले आओ चंदन, सॉलिड है उसमें कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल कहाँ, वो मोबाइल हो गया दारू से लगा उसका, उसको उसके साथ ले रहा है बिल्कुल। टेस्टर लेके चल रहा था ना, अरे आइए अपनी और है लेकिन ज्यादा होगा लेकिन आप जानते हैं गाड़ी का, गाड़ी चोरी का है तो डिक्की पर सो रहा है, डिक्की क्या गाड़ी तेरा क्या सो गाड़ी डिक्की पर पर्सन लड़की है डिक्की और ठीक तुरंत डिक्की और गाड़ी, गाड़ी का भी लॉक तोड़ता है पाचे उपाचे आराम से चोरी कर लेते। डीआईजी साहब और पुलिस अधीक्षक महोदय साहब दोनों का, लखीसराय दोनों रन का एस ड्राइव चलाया जा रहा पूरे जिला में लगातार, और इसी क्रम में सुरगढ़ा थाना अध्यक्ष चंदन कुमार द्वारा दो अंतर्राज्यीय कोढ़ा गैंग और एक वेस्ट बंगाल का गैंग है जो बैंक से पैसा निकाल के ले जाते समय वृद्ध बुजुर्ग महिला और असमर्थ व्यक्ति से पैसा उनका झपट्टा मार के भाग जाते हैं, और नहीं तो हथियार का बल दिखा के उनसे पैसा लूट लिया जाता है। इसी क्रम में चंदन कुमार द्वारा दो एस चंदन कुमार थानाध्यक्ष सुरगढ़ा द्वारा दो व्यक्ति को पकड़ा गया जिसके पल्सर मोटरसाइकिल वेस्ट बंगाल का नंबर था, उस पर संदेह के आधार पर पकड़ने पर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देसी पिस्तौल, 2.315 बोर का जिंदा कारतूस, एक पल्सर मोटरसाइकिल, 3 फर्जी आधार कार्ड जो अलग अलग राज्य का बना हुआ था, उसके अलावा लोहे का टी आकार का 2 बना हुआ है औजार और 2 मोबाइल सेट। और उन पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि बैंक से जो पैसा लेके निकलते हैं उन्हीं का झपट्टा मार कर ये लोग ले जाते हैं। इनका एक का पता है मुकेश ग्वाला, पिता शर्मा ग्वाला, साकिम फाटापुर थाना राजगंज जिला जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल, और दूसरा है रामनाथ यादव उर्फ अजय यादव, पिता किशन यादव उर्फ राधे यादव, साकिम नया टोला जुड़ावगंज थाना कोढ़ा। दोनों विभिन्न राज्य और जिला में जाकर वही बैंक से पैसा झपट्टा मारकर, और डिक्की टी आकार जो है वो डिक्की तोड़ने में उसका काम आता है, और इन दोनों में अगर कामयाब नहीं होते थे तब हथियार दिखाकर उनसे पैसा लूट लिए। जब मोटरसाइकिल के बारे में सत्यापन किया गया तो पता चला वो भी लूट का मोटरसाइकिल है जो पटना के किसी थाने से लूटा गया है, उसका भी हम लोग ये करें, और इनका आपराधिक इतिहास लेकर हम लोग बाकी के जो जहाँ जहाँ वांछित है वहाँ इनका रिमांड करवाएंगे। कई लूट की घटना हुई है जिले में, तो क्या लगता है इन लोगों का ध्यान जी? इनका जो वही बैंक से जो पैसा लेके जाते हैं बहुत सारे कांड को इन्होंने कन्फेस किया है, और हम लोग बाकी के जो इनके गैंग के हैं उन पे भी काम कर रहे हैं, और जैसे होगा और भी उनकी अरेस्टिंग हो जाएगी। और उसी क्रम में कल सुरगढ़ा थाना अध्यक्ष द्वारा ही पुलिस पदाधिकारी सुरेश सिंह के साथ एक पश्चिम बंगाल का स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ब्लू कलर का वो भी पकड़ा है, जिसमें कुल 14 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुई है, एक सैमसंग का मोबाइल मिला है, और उससे हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज देख रहे हैं कि माल कहां से आ रहा था और कहां को जा रहा था। इसमें सत्यनारायण कुमार पिता मनोहर सिंह, साकिम टाल शर्मा थाना बीरूपुर जिला लखीसराय की अरेस्टिंग हुई है वेस्ट बंगाल, इसका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, अगर चोरी और लूट का होगा तो उसमें भी हम लोग आगे कार्रवाई करें। और एक और घटना कल वहाँ पीरी बाजार थाना अंतर्गत हुई है, जिसमें पीरी प्रभारी थाना अध्यक्ष जो पीरी बाजार हैं संजय कुमार द्वारा ललन कुमार और चंदन कुमार को 10 लीटर देसी शराब के साथ पकड़ा गया, और एक 750 ml का विदेशी शराब का बोतल, एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक देसी मास्केट और 5 315 बोर की जिंदा कारतूस
और एक बुलेट मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल बरामद हुई है। उसमें भी जो रैकेट है शराब का जो कारोबार करते हैं उस पर भी कार्रवाई हो रही है और उसकी भी अरेस्टिंग 2 की हुई है और बाकी जो चिन्हित किया जा रहा है उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। इतिहास बताएंगे, सारा चीज़ खंगाला जा रहा है, जैसे जैसे होगा सारा चीज़ उसको अपडेट कर लिया जाएगा। गिरफ्तार हुए दोनों भाई हैं? दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। शराब दोनों के साथ, एक ही गोदाम जो है बना के रखा हुआ था वहीं पे, गोदाम से और मोटरसाइकिल बुलेट भी है और 315 बोर की देसी मास्केट और 5 जिंदा राउंड।